हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, एक वीडियो है गाइस, ठीक है। कुछ पाकिस्तान प्लेयर बोल रहे हैं कि भाई दे वांट टू प्ले इन इंडिया, मतलब आईपीएल खेलना है उनको। तो गाइस, लेट्स सी पठान भाई क्या बोलते हैं, फिर हम लोग भी गाइस रिएक्ट करते हैं। गाइस चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। वीडियो है हमारे पास, मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जो है वो ये चाहते हैं कि वो आईपीएल में खेले, और स्पेशली आईपीएल में वो आरसीबी से खेलना चाहते हैं, ये उनकी बड़ी ख्वाहिश है। समझ में यह नहीं आता कि पाकिस्तानी प्लेयर हमेशा जब पाकिस्तान में कोई इंटरव्यू, कोई स्टेज शो, कुछ भी होता है, उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं हम चाहते हैं कि आईपीएल में खेले। जब आप आईपीएल में खेलना चाहते हो, मुझे नहीं पता कि कौन से रीजन से खेलना चाहते हो। क्या आप वहां पर ज्यादा पैसा देकर खेलना चाहते हो, या फिर आप इसलिए खेलना चाहते हो कि हमारे अंदर टैलेंट भर के रखा हुआ है, हम जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे आईपीएल में। तो फिर अगर ये सारी चीजें हैं कि आप आईपीएल में खेलना चाहते हो, आपका मन करता है, बाबर आजम को 10 करोड़ की ऑफर होती है मुकेश अंबानी से, पाकिस्तान से ही निकल के आती है ये न्यूज, हमें तो भाई कहीं पे भी नहीं दिखती, और बाबर आजम ठुकरा देते हैं उस ऑफर को कि नहीं भाई हमें जो है शादी में नहीं जाना है। तो अगर मुकेश अंबानी बाबर आजम को शादी या जो है प्री वेडिंग अटेंड करने के लिए 10 करोड़ दे सकते हैं, तो हो सकता है कि बाबर आजम को मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए भी ऑफर हो गई हो को 40-50 करोड़ की, लेकिन हमें पता नहीं हो, पाकिस्तानी मीडिया को पता हो। तो फिर विराट कोहली को ट्रोल क्यों? विराट कोहली जब इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से आईपीएल में खेल रहे हैं, और वैसे भी विराट कोहली हर प्लेटफॉर्म पर अच्छा खेलते हैं, तो फिर एक मैच से जब विराट कोहली स्ट्राइक रेट 33 हो जाता है, तो फिर उसको ट्रोल क्यों? और हमेशा बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर क्यों? मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, उसके बाद कंप्लीटली बात करेंगे आगे कि क्या करना है। ठीक है, आईपीएल फॉलो करते हैं एज अ क्रिकेट फैन? जी फॉलो करते। अगर कल को हालात, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के हमेशा हालात यूं रहे, अगर हालात कल को बेहतर हो जाते हैं, मोदी साहब चले जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं, तो आईपीएल में आप कौन सी टीम, आपको लगता है कि यार इस टीम में मेरा जाने का शौक है, ये वाली टीम जाए? ले मुझे आरसीबी, राजस्थान नहीं, वो है ना रॉयल चैलेंजर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वाह, वजह उसकी? बस मुझे पसंद है, आपने जब ये कहा आईपीएल तो मेरे सबसे पहला थॉट ही आरसीबी आता है आईपीएल के नाम से। उनकी किट भी बहुत अच्छी है, किट अच्छी है, फिर विराट कोहली कैप्टन है। अच्छा, विराट कोहली कैप्टन है। आप आइडियल, मेरा ख्याल है आपने दूसरी दफा नाम लिया, आपका आइडियल बैट्समैन विराट कोहली है? आइडियल बैटिंग के हवाले से, मैंने आपको बोला ना कि बैटिंग के हवाले से नहीं, उनके जो एथिक्स है ना, और जिस तरह वो कमबैक, और जो उन्होंने कैरियर अपना बनाया है ना, जो यंगस्टर से लेके अभी वो लेजेंड है तब तक का, वो मैं एडमायर करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो का मकसद, दैट्स अ वेरी गुड, बोलते ना भाई एकदम परफेक्ट बंदे को फॉलो कर रहा है भाई, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड, मतलब उसने कहां से स्टार्ट किया भाई, दैट्स अ वेरी गुड। ये नहीं है कि ये आईपीएल में आईपीएल का नाम क्यों ले रहे हैं कि हम खेलना चाहते हैं। यहां पर आरसीबी से बड़ा खेलने का जो है वो शौक है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। क्या रीजन हो सकता है कि विराट कोहली के टीम में खेलने का? क्या विराट कोहली इनको पसंद है? क्या इनको पता है कि वाकई में विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट का किंग है? या फिर इस वजह से विराट कोहली की टीम में खेलना चाहते हैं कि यार विराट कोहली इतना बड़ा सेलिब्रिटी है भाई, लोग इतना पसंद करते हैं विराट कोहली को, अगर हम उनकी टीम में खेलेंगे तो काफी ज्यादा नजदीकी से साथ में हंस के, हाथ एक दूसरे के ऊपर डाल के, थोड़ा सा मुस्कुरा के हम भी फेमस हो जाएंगे, हमारे भी फॉलोवर्स विराट कोहली के नाम से ज्यादा हो जाएंगे, या फिर हम दिखाएंगे कि हम विराट कोहली से ज्यादा अच्छा खेलते हैं, कोई तो रीजन हो सकता है। पाकिस्तानी प्लेयर मरे पड़े हैं आईपीएल में खेलने के लिए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की टीम को ट्रोल। हिंदुस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हो तो ये साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो तो ये बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो ये ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हैं, किसी भी टीम के साथ अफगानिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान का मैच होता है तो ये उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आईपीएल में खेलने के लिए हर एक खिलाड़ी पाकिस्तान का बेताब मरा पड़ा होता है कि किसी तरीके से आईपीएल में खेले। देखिए अभी सीरीज है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की, ए तो छोड़ो, ए टीम तो पूरी आईपीएल में खेल रही है, बी टीम तक नहीं जा रही, पाकिस्तान सी टीम जा रही है पाकिस्तान,
ऐसी हालत में जब आईपीएल होता है तो पाकिस्तान की टीम मुकम्मल बेरोजगार हो जाती है, कहीं पे कोई लीग नहीं, कोई सीरीज नहीं, कोई क्रिकेट नहीं। अगर उन्होंने खुद से कोई सीरीज रख ली तो वो भी सी टीम आएगी। इस वजह से भी शायद पाकिस्तान की टीम कह रही हो कि चलो यार वो बेकार बेरोजगार, तो अपनी जगह पैसा भी तो बात करती है ना मेरे दोस्त। आईपीएल में जो पैसा मिलता है, आप बताइए कौन से लीग के अंदर इतना पैसा मिलता है? आप मुझे जरा लीग बताइए, जितने भी लीग्स हैं कौन सी लीग के अंदर इतना पैसा मिलता है जितना आईपीएल में मिलता है, और कौन सी लीग में इतना आपको टैलेंट मिलेगा, इतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो आईपीएल को छोड़ के कोई और लीग बता दे। शायद ये भी कोई वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स चाहते हैं कि आईपीएल में खेले। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाना चाहिए क्या? भाई सच्ची बोलो तो भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में तो खेल नहीं सकते, ठीक है ना, ही बायलैटरल सीरीज हो सकता है। तो हम लोग मिल सकते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच सिर्फ वर्ल्ड कप में ही या T20 वर्ल्ड कप में, दैट्स इट। ठीक है गाइस, तो गाइस आई होप गाइस आप भी कमेंट करो गाइस, ठीक है आप भी कमेंट करो गाइस, आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से देख रहे हो गाइस, कमेंट करो। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू गाइस।